अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कुक विद हाना में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे। आज हम बनाने लगे हैं वो रेसिपी है वेट लूज के हवाले से, चना चाट की रेसिपी। तो इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, टमाटर, प्याज, खीरे और शिमला मिर्च एडिशनल है। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है तो आप इसको शामिल कर सकते हैं, हरी धनिया और लेमन और हरी मिर्चें। और यहाँ पर जो मैंने चने लिए हैं ये तकरीबन 100 ग्राम हैं। और अगर आप ये वेट लूज़ के लिए एक बेहतरीन गज़ा है, आप इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आप पूरे दिन में एक सिंगल मील ले रहे हैं तो सिंगल मील में आप 100 से 150 ग्राम चिकी यानी काले चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें ये सारी सब्ज़ियाँ कट कर कर ऐड करें और इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाट मसाला इस्तेमाल करें या फिर आप थोड़ा सा नमक या फिर काली मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत 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 फ़ायदेमंद रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें। अगर आप भी वेट लूज जर्नी में हैं तो मेरा मशवरा आप इसे इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आप अगर आप पूरे वीक में अपनी मील का एक हिस्सा इसे रखते हैं तो आप मैक्सिमम 2 to 3 kg जो है वेट आसानी जो है वो लूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैं अक्सर इस मेथड को फॉलो करती हूँ कि पूरे हफ्ते एक मील चलता है, एक मील, और फिर अगले हफ्ते फिर दूसरे। इस तरह पूरे महीने में आप हफ्ते के लिहाज से 4 मुख्तलिफ डिशेस को जो है वेट लूज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है भी इतनी सस्ती और अफोर्डेबल के बहुत आसानी से आप इसे कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर आप वेट लूज जर्नी में हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदे देगी। आप इसे ट्राई करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने वेट लूज जर्नी में इस काले चनों के चाट का इस्तेमाल किया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।